हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? सभी लोग आशा कर रहे बहुत अच्छे होंगे। हमने भी आज राम और हनुमान जी हैं, मैंने उनका ये डाला हुआ है। अभी मैंने ब्लॉग बनाने के लिए आपसे मैंने कहा, सोचा एक ब्लॉग बना दूँ आप सभी लोगों के लिए। आशा करूँगी मेरा ब्लॉग जरूर देखना आप सभी। और मैं ये भी कहना चाहते हैं कि शाम को जो भी पूजा होगी ना, तो आप सभी लोगों को दिखाएंगे। हम दोनों, मेरे हस्बैंड और हम दोनों जने पूजा करेंगे। और ये देखो, मैं उनका ये हनुमान जी हैं, ये राम हैं। और मैंने थोड़ा छोटी छोटी वो बनाई होती वीडियो, इसलिए मैंने ये डाला था अंगोच्छा उनका। और मैंने सोचा आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो ब्लॉग बना दें। आप सभी को मेरे ब्लॉग अच्छा लगता होगा आपको, तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। उसमें लिखना जय श्री राम, जय श्री राम। अगर राम जिसी किसी को पसंद होंगे तो वो जरूर मेरे कमेंट में लिख के बताएगा कि जय श्री राम। और राम 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 को कौन चाहता है? हम तो अपने हृदय से दोनों जनों को चाहते हैं। ये देखो, हमारे राम माता हैं, लक्ष्मी जी हैं, ये देखो खाटू श्याम महाराज हैं, ये देखो माता रानी है, और ये देखो बजरंगबली बाबा जी हैं, और ये देखो लक्ष्मी मैया रानी है, और ये देखो राम लक्ष्मण है और हनुमान जी हैं। उनकी फ़ोटो लेके आई थी हम। और ये देखो सूर्य भगवान है, और ये देखो मैया रानी बैठी हैं, भोलेनाथ हैं, पार्वती मैया रानी हैं। इनको ही यहाँ पे स्वीकार करते हैं। आशा कर रहे हैं कि मेरा ब्लॉग देखना और आप भी लोग अच्छी तरह से राम का भजन करना और राम से प्रार्थना करना। जो भी तमन्ना हो तो आज दिल खोल के बोल देना, राम जरूर मन की करेंगे। राम के जिस किसी को राम का नाम याद आता होगा तो उसके हृदय में राम होंगे। ये नहीं है कि राम है ही नहीं, राम दिल से मांगो राम है। हनुमान जी भी हैं, अपनी आत्माओं से मांगोगे तो सब कुछ है। और आशा यही करेंगे कि मेरा ब्लॉग जरूर देखना आप सभी। और मैं थोड़ा शाम को पूजा भी करेंगे, खाना भी बनाएंगे, और तुम लोगों को खाना हो तो आ जाना, पूजा में शामिल हो जाना। और आप भी लोग अपने बढ़िया बढ़िया से पूजा करना और अपनी अच्छी तरह से राम को ध्यान धरना, जय श्री राम कहना, जय श्री राम, जय श्री राम। हम भी जय श्री राम बोल रहे हैं और हम भी जाप करेंगे। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। मेरी भी जो भी आज जो भी फ्रेंड हैं, तो मेरा ब्लॉग जरूर देखना सभी लोग। मैं अंदर हूँ कमरे में, इसलिए मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ। और तुमको अभी दिखाएंगे कि यहाँ गाजियाबाद के अंदर में इतना झंडा घरन घरन झंडा लग गया है। इतना झंडा लगा हुआ है कि कुछ पूछो मत। सच में अपने यूपी में तो थोड़ा भी बहुत ऐसा होता है, कहते हैं क्या करें, कैसे मनाएं कैसे मनाएं, पर यहाँ पे झरा कल से डीजा बज रहा है। डीजो इतना डीजो बज रहा है, इतना डीजो कुछ पूछो मत। पर डीजो की मेरी वीडियो चलेगी नहीं, इसलिए मैंने उनका ब्लॉग नहीं बनाया। और हम तुमको दिखाएंगे, गाजियाबाद में हूँ। और आशा यही करेंगे कि मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो पसंद जरूर करना और लाइक करना, कमेंट करना, जय श्री राम लिखना। राम को मानते होगे तो जरूर लिखोगे, क्योंकि जय श्री राम। आगे ब्लॉग में मिलेंगे और भी तुमको दिखाएंगे। अब जा रही हूँ छत पे, तब आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा कैसा है नज़ारा। अभी कमरे में हूँ। बाय बाय बहन भाई, जो भी है आज जय श्री राम का ध्यान रखना आप सभी लोग। मैं फिर मिलूँगी आपसे। ब्लॉग भी बनाती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ। वीडियो बनाने के लिए कपड़े पहने थे हमने, तो हमने सोचा तुम्हारे लिए ब्लॉग भी बना दें। आशा यही करूँगी कि मेरा ब्लॉग देखना, थोड़ा मुझे भी बढ़ा दो प्लीज़। बाय बाय, फिर मिलेंगे। हम जा रहे हैं ऊपर छत पे, दिखाएंगे आप सभी लोगों को। और थोड़ा आज घाम निकली हुई है, भगवान जी प्रसन्न है इसलिए आज घाम भी निकाल दी ना। सुबह सुबह हवा चल रही है पर घाम तो निकली है। छत पे जा रही हूँ और देखो सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और तुम्हारे लिए ब्लॉग भी बनाएंगे। हम थोड़ा छत पे आई हूँ, कपड़े भी बहुत धुले थे आज सारे लोगों ने, कपड़े कपड़ा दिखाई दे रहे होंगे। क्या करें, काम भी करना पड़ेगा, भगवान का भजन भी करना पड़ेगा, इसलिए कपड़े सारे लोग धो रहे हैं। और यहाँ पे
कपड़े भी डले हुए हैं, हमारे भी डले हैं। और वो वीडियो हमने का सोचा ब्लॉग बना लें आप सभी लोगों के लिए, ब्लॉग बना रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। आशा यही करेंगे कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखना, अच्छा लगेगा मेरा ब्लॉग, जो भी बोलूँगी अच्छा बोलूँगी। और ये देखो एक खंगड़ डरा हुआ है इसमें, और देखो देखो जो भी है रील्स में इतनी हूँ मैं, ये मत सोचना कि लोग पेंटर लगा के बना रही है फलाना, ये कुछ भी नहीं है। और ये देखो छत पे आ चुकी हूँ इसलिए वीडियो बना रही हूँ। आशा कर रहे हैं कि आप भी लोग मेरा ब्लॉग देखना। देखो पटक्का बोल रहे हैं, बहुत पटक्का। इतनी दीपावली, इतनी अच्छी दीपावली मन रही है कि बता नहीं सकते हैं। 22 तारीख को इतनी सुंदर बनाई है दीपावली के, मजाक नहीं है सच में। गाजियाबाद के अंदर तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा है सच में। और ये देखो कितने कबूतर उड़ रहे हैं, ये भी दीपावली मना रहे हैं, घूम घूम के दीपावली मना रहे हैं। देखो देखो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है सच में। और मैं यही कहूँगी आप सभी से, आप भी लोग ब्लॉग मेरे ब्लॉग में आए और मेरे ब्लॉग को देखें और मुझे थोड़ा आगे बढ़ाएं। बस फिर आगे मिलेंगे, देखते हैं शाम को पूजा करेंगे ना, तब मिलूँगी आपसे। हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। तो आज हमारे घर में होने जा रही है पूजा राम जी की, अभी होगी पूजा करेंगे, फिर आप लोगों को सभी लोगों को दिखाएंगे पूजा कैसे हो रही है, वीडियो भी ना कर अभी बनाएंगे। ये देखो ये तैयार हो रही है। अभी हम तैयार हो रहे हैं, उसके बाद में बनाएंगे पूजा भी करेंगे, तब दिखाएंगे आप सभी लोगों को। अभी थोड़ा मैं तैयार हो रही हूँ, फिर अभी रंगोली बनाएंगे तब दिखाएंगे, रंगोली बनाएगी फिर मिलेंगे आपसे। ठीक है, तकलीफ जय श्री राम। अभी बनाएंगे तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे, पूजा वूजा करेंगे उसके बाद फिर बनाएंगे वीडियो। हेलो फ्रेंड, रंगोली बननी है, अभी यहाँ पूजा होगी राम जी की। ये देखो रंगोली बना रही है ये, जय श्री राम बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम जी हमारे घर आइयो, घर आइयो रात में। राम जी, राम जी आइयो हमारे घर रात में। बर्थडे तो देखिए, पूजा होने के लिए सारे सामान हो गए तैयार। जय श्री राम, सारी चीज बन चुके हैं, अभी होगी पूजा। ये हमारा मंदिर है छोटा सा, राम जी की पूजा होगी। दीपक जलने रहे हैं आज, जय श्री राम की दीपावली मना रहे हैं, राम जी को बुला रहे हैं घर पे। ये देखो हमारे घर पे ये पूजन हो रहा है, अभी होगी पूजा जय श्री राम की। ये देखो सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, देव देवता।
दीपक अभी चलाएंगे, पूजा करेंगे श्री रामचंद्र माता रानी की। मैंने उठा ले माता रानी की, उधर रख ले, एक ले उधर रख ले। तो अभी डाल दे, फूलन पे सम्मान हो रहा है माता रानी का सभी का। राम आएंगे जरूर, रंग न सजाएंगे, हरी वर्षे में आरती लगाएंगे। राम आएंगे जरूर, रंग न सजाएंगे। दीपक जल चुके हैं, अभी मनाएंगे दिवाली। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो फ्रेंड, मैं देखो पूजा करने जा रही हूँ, और आप भी लोग आ जाइए, आप भी लोग पूजा कीजिए श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान चंद्र की। सारे लोगों को बुलाइए, आज भगवान आएंगे सारे लोगों के घर पे, और बोलना जय श्री राम, जय श्री राम। ये चावल है ना, ये वहीं से आए थे, आज उनका टीका करूँगी इन चावलों से, और ऐसा यही करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगता हो तो सही है। जय श्री राम चंद्र की जय हो। श्री राम चंद्र की जय हो। हमारी भी आज मनोकामना अपने दिल से जो भी बोलोगे अच्छी तरह बोलोगे। हमारा कहने मतलब यही है, बाबा जी हमारे घर आओ और मेरे जो भी बनाओ जैसा संता भाई हमने तैसी आपकी पूजा की है, और मेरी पूजा को स्वीकार करिए आप सभी लोग। और मैया रानी आप सभी लोग आइए हमारे घर, आइए मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए बाबा जी। अरे यार रुक तो जाओ बेटा, नहीं थे अभी प्रसाद मत खाना, अभी मत खाना। जय हो श्री राम चंद्र भगवान, जय हो। तुम तो पागल हो बेटा, हटो। जय श्री राम। भोलेनाथ तुम हमारे कैसा
तो देखो फ्रेंड, दीपावली मनी है आज। जय श्री राम की। देखो ये चारों तरफ पटाखे अटाखे चल रहे हैं, दीपक भी जल रहे हैं। ये देखो हमने अपनी छत पे दीपक जलाए हैं। देखो चारों तरफ, देखो पटाखे चल रहे हैं चारों तरफ चल रहे हैं पटाखे। दीपावली मनी है आज। ये देखो फ्रेंड, दीपावली मन रही। देखो चारों ओर दीपावली मन रही है हमारे यहाँ। जय श्री राम, जय श्री राम चंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो पटाखे चल रहे हैं चारों तरफ। ये देखो बहुत भारी दीपावली फ्रेंड मन रही है, बहुत भारी। जय श्री राम। अच्छा लग रहा है दीपावली मननी पूरी। जय श्री राम। देखो पटाखे चल रहे, देखो आ जा बेटा, देखो लाइट जला रही है, दीपावली वाली लाइट है। ये देखो साड़ी ना जल जाए।